शामली के निहालपुर गांव में 9 दिन पहले दोस्त से मिलने जौनपुर से आए एक अधेड़ ट्रक चालक की गला घोटकर हत्या कर दी गई। हत्या की वारदात को दोस्त और उसके साथियों ने मिलकर अंजाम दिया। मामले का खुलासा तब हुआ जब मृतक के परिजन उसे खोजते हुए पुलिस के साथ दोस्त के घर पहुंचे। आरोपी दोस्त की निशानदेही पर मृतक ट्रक चालक का शव नहर किनारे झाड़ियों के बीच मिला। ट्रक चालक की हत्या हफ्ते भर पहले ही कर दी गई थी। पुलिस ने मामले में हत्या आरोपी दोस्त को गिरफ्तार कर लिया। जौनपुर जनपद के पुरसावपुर निवासी समर बहादुर पेशे से ट्रक चालक हैं। 18 सितंबर को वह अपना ट्रक लेकर चंदौली जनपद मुगलसराय गया हुआ था। उसने वहीं पर अपना ट्रक खड़ा कर दिया और कौशाम्बी जिले के निहालपुर निवासी अपने दोस्त राम सागर से मिलने पहुंच गया। 18 सितंबर को ही राम सागर व उसके दो साथियों ने ट्रक चालक दोस्त समर बहादुर के साथ मिलकर जमकर शराब पिया। नशे की हालत में राम सागर का समर बहादुर से किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद राम सागर और उसके साथियों ने मिलकर समर बहादुर की गला घोटकर हत्या कर दी। शव को छिपाने के लिए गांव के बाहर झाड़ियों के बीच फेंक दिया गया। 2 दिन तक समर बहादुर के परिजनों ने संपर्क नहीं हुआ तो वो परेशान हो गए। समर बहादुर के बेटे अशोक ने मुगलसराय जिले के चंदौली थाना गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। कॉल डिटेल के आधार पर परिजन सैनी कोतवाली पहुंचे, जहां उन्होंने समर बहादुर के दोस्त राम सागर के खिलाफ शिकायती पत्र दिया। पुलिस ने राम सागर को हिरासत में लिया। उसने अपना गुनाह कबूल करते हुए झाड़ियों के पीछे छिपाए गए शव को बरामद करवा दिया। पुलिस रामचंद के उन दोस्तों की तलाश कर रही है जिन्होंने हत्या में उसका साथ दिया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हत्या आरोपी से पूछताछ की जा रही है। सैनी में एक ट्रक ड्राइवर का शव मिला है। ये जौनपुर का रहने वाला है। 18 तारीख की शाम को जौनपुर से गायब हुआ था। वहाँ उसकी गुमशुदगी लिखी हुई थी और जब वहाँ के लोगों ने कार डिटेल के आधार पर तलाश किया तो यहाँ आके एक राम नरेश नाम का व्यक्ति, राम सागर नाम का व्यक्ति है, वो उससे इसकी लास्ट बात हुई थी। वो राम सागर को अरेस्ट किया गया तो उसने अपना जुर्म स्वीकार किया है। उसने अपने एक दो साथियों के नाम बताए हैं और उसने जो मृतक है उसका शव ले जाके बरामद कराया है। उससे पूछताछ चल रही है। खबर जगत प्रयागराज से एलन सिंह की रिपोर्ट।